वेलकम बैक टू डियर फ्रेंड्स एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन वी डील विद नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इस वीडियो सेशन में नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से डील करेंगे। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो फर्दर टू टाइप में उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो। फर्स्ट वाला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकेंड है मेटल डेफिशियंसी डिफेक्ट। तो ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट था उसको तो अपन प्रीवियस लेक्चर में डील कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में डील करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से। किस टाइप से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वो सॉलिड के अंदर क्या होता है इंट्रोड्यूस होता है, कौन सा इसका एग्जाम्पल है, किस टाइप से क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर होती है, इसको डील करेंगे। तो आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो सेशन के अंदर टॉपिक अपना मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एक्चुअल में किसका एग्जांपल है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जांपल है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की मीनिंग क्या है, मीनिंग यहाँ पर कैटाइन एंड एनायन का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैटाइन एंड एनायन का रेशियो क्या रहेगा, रिमेन सेम नहीं होगा, मीनिंग उसके रेशियो में क्या आ जाएगा, चेंजेज आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपन को सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि ये वाला जो डिफेक्ट है वो कब प्रोड्यूस होगा, कौन सा इसका एग्जांपल है, किस टाइप से इसको डील करना है। तो आइए सबसे पहले एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं दोस्तों, जिसका जिसमें कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ये दोस्तों मेरे पास एक एग्जांपल है आयरन ऑक्साइड का, FeO। इस वाले एग्जांपल में आयरन ऑक्साइड की क्रिस्टल के अंदर कौन सा डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करता है, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करता है। अब एक्चुअल में ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये है दोस्तों कि ये जो आयरन है वो टू टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट में लाइज कर सकता है। फर्स्ट वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपके पास फेरस, और सेकेंड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दोस्तों फेरिक। फेरिस का मीनिंग आयरन प्लस टू में, और फेरी का मीनिंग आयरन किस में, प्लस थ्री में। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपके सामने ये आ गया कि जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है कौन से क्रिस्टल है वो इसको शोज करेंगे, ओनली वही वाले क्रिस्टल इसको शोज करेंगे, जब क्या होगा मेटल क्या करेगी, वेरिएबल वैलेंसी शो करेगी। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये वाला डिफेक्ट है उन्हीं क्रिस्टल के अंदर सीन होगा जिसमें मेटल एक्चुअल में क्या करेगी, मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस भी क्रिस्टल के अंदर अगर मेटल वेरिएबल वैलेंसी को क्या कर रहा है, शोज कर रहा है, तो उसी वाले क्रिस्टल के अंदर कौन सा डिफेक्ट आपको सीन होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होगा, शोज होगा। अब यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहां पर देखना, जैसे ये लीजिए आपके पास आयरन प्लस टू है, क्रिस्टल के अंदर आयरन प्लस टू है, ऑक्साइड है, तो कॉमन सेंस की बात है यहां पर दोस्तों ऑक्साइड किस फॉर्म में होगा, आयरन तो हो गया फेरस की फॉर्म में प्लस टू में, और ऑक्साइड हो गया ओ माइनस टू आयन की फॉर्म में। अब यहां पर एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो यहां पर क्रिस्टल है दोस्तों, इस क्रिस्टल में क्या होगा, कुछ जो साइड होती है वो क्या हो जाएगी, कैटाइन वहां से क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, और उस कैटाइन के स्पेस पर, उस कैटाइन की जगह दोस्तों कौन आ जाएगा, हायर चार्ज वाली वैलेंसी वाला कैटाइन क्या करेगा, उस लैटिस साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। मीनिंग क्या है, जब भी इसका क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें आपको ये सीन होगा कि जो लोअर चार्ज वाला जो कैटाइन है अपने क्रिस्टल लैटिस की साइड से क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, और उस क्रिस्टल लैटिस साइड को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, हायर चार्ज वाला कैटाइन क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, वन आयरन पर कितना चार्ज है, प्लस टू है, और सेकंड वाले आयरन पर कितना चार्ज है, प्लस थ्री है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या सीन होगा दोस्तों, जब भी टू प्लस थ्री वाले, जब भी टू आयरन प्लस थ्री किसी भी क्रिस्टल लैटिस साइड को ऑक्यूपाई करेंगे, तो यहां पर वन आयरन पर कितना चार्ज था, प्लस टू, तो टू पर कितना हो गया, प्लस सिक्स चार्ज हो गया। क्लियर है, आता है। तो यहां से दोस्तों कितने जो आपके पास आयरन प्लस टू है वो यहां से क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो यहां से देखो प्लस सिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है क्रिस्टल में डिफेक्ट होने के बाद में। तो यहां पर एक्चुअल में क्या होगा, यहां से कितने आयरन रिमूव कर जाएंगे दोस्तों, थ्री Fe प्लस टू आयरन है वो क्या कर जाएंगे, रिमूव कर जाएंगे। अदर वर्ड्स में आप इसको सिंपली ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जब भी इसमें डिफेक्ट प्रेजेंट होगा तो उसमें जो आयरन प्लस टू है, मतलब जो लोअर वैलेंसी वाला कैटाइन है, इसको रिप्लेस कौन कर रहा है, हायर
चार्ज वाला या हायर वैलेंसी वाला कैटायन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो प्लस टू की जगह कौन आ गया, प्लस थ्री आ गया है दोस्तों, कौन आ गया है, प्लस थ्री। तो यहां पर इंपोर्टेंट क्या है, जब भी प्लस एफ प्लस थ्री आएगा तो यहां पर मेटल की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी क्यों होगी, इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, जब भी टू आयरन प्लस थ्री किसी भी क्रिस्टल लैटिस की साइड को ऑक्यूपाई करेंगे तो यहां से दोस्तों कितने आयरन प्लस टू को रिमूव होना होगा क्रिस्टल लैटिस से, थ्री आयरन प्लस टू को रिमूव होना होगा, और थ्री की जगह कितने आएंगे टू, तो यहाँ पर कितने आयरन की डेफिशियंसी होगी, वन की। तो मेटल की डेफिशियंसी हो रही है, तो एक्चुअल में ये डिफेक्ट कौन सा है, मेटल डेफिशियंसी डिफेक्ट है। अब आइए इसको लैंग्वेज के साथ अंडरस्टैंड करते हैं, कौन से क्रिस्टल के अंदर ये डिफेक्ट वो सीन होगा, क्या क्या इसके लिए कंडीशन है और एग्जाम्पल क्या है। आइए सबसे पहला स्टेटमेंट देखते, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, और एक्चुअल में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट किसका एग्जांपल है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जांपल है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो टू टाइप का है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट से डील कर लिया था, इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में डील करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जनरली अकर्स When metal shows variable valency, सबसे important statement है, metal deficiency defect आपको उन्हीं crystal के अंदर seen होगा जिसके अंदर metal है वो क्या show करेगा, metal shows variable valency। This type of defect, that means metal deficiency defect generally occurs when metal shows variable valency, meaning एक तो high charge भी show करेगा और lower charge भी या otherwise lower valency भी metal shows करता है, उसी वाले क्रिस्टल के अंदर आपको मेटल डेफिशिएंसी जो डिफेक्ट है वो सीन होता है। पॉइंट नंबर टू देखिए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द मिसिंग ऑफ द कैटाइन फ्रॉम इट्स लैटिस, जो भी लैटिस साइट है वहां से कैटाइन क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, एंड द प्रेजेंस ऑफ द कैटाइन हैविंग हायर चार्ज, और उस कैटाइन की जगह कौन आ जाएगा, हायर वैलेंसी वाला चार्ज क्या करेगा, उसकी जो स्पेस है उसको क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। हायर द प्रेजेंस ऑफ द कैटाइन हैविंग हायर चार्ज इन द एडजेसेंट लैटिस साइड, फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड, और दोस्तों इसका एग्जांपल कौन सा है, आयरन ऑक्साइड इसका क्या है दोस्तों, एक एग्जांपल है जिसमें आयरन के डाउनसाइड मेंशन किया है एक्स, मतलब यहां पर आयरन का कितना नंबर में एक्स, और एक्स की रेंज कितनी हो सकती है 0.932 0.96, ये किसकी रेंज है, एक्स की रेंज है। फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, यहां पर फॉर्मूला ये बनेगा एफ ई एक्स ओ, किसका एग्जांपल होता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का एग्जांपल होता है। एक बार लैंग्वेज वापिस ही देखिए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जनरली अकर्स व्हेन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी, पहला वाला स्टेटमेंट क्लियर हो जाना चाहिए, केवल उन्हीं क्रिस्टल में आपको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट सीन होगा जिनमें मेटल क्या करेगी, वेरिएबल वैलेंसी को शो करेगा। पॉइंट नंबर टू क्या है, द डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कैटाइन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड द प्रेजेंस ऑफ द कैटाइन हैविंग हायर चार्ज इन द एडजेसेंट लैटिस साइट, फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड FeXO, और यहां पर एक्स है उसकी वैल्यू क्या, उसकी रेंज कितनी हो सकती है 0.932 0.96। अब ये देखिए दोस्तों आपके सामने एग्जांपल है, और इस वाले एग्जांपल के अंदर अगर सबसे पहले अपन डील करेंगे, जब ये कौन सा क्रिस्टल होगा, आइडियल क्रिस्टल होगा जिसमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो दोस्तों उस वाली कंडीशन के अंदर एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट होगा इसको अंडरस्टैंड करते, क्योंकि आयरन ऑक्साइड आपके पास एग्जाम्पल है, आयरन ऑक्साइड के अंदर आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, प्लस टू में, और ऑक्साइड किसमें होता है, माइनस टू के अंदर होता है। तो यहां पर दोस्तों देखिए ओ माइनस टू से कौन अट्रैक्टेड रहेगा, आयरन प्लस टू अट्रैक्ट रहेगा। सिमिलर थिंग है दोस्तों, यहां पर भी ओ माइनस टू है तो यहां पर भी कौन आ गया, आयरन प्लस टू है, और यहां पर ओ माइनस टू है तो दोस्तों कौन आ गया, आयरन प्लस टू है। अब यहां से इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए लोअर वैलेंसी वाला है, कौन आयरन कौन सा लोअर वैलेंसी, अगर इसमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो दोस्तों उस वाली कंडीशन में यहां पर आयरन प्लस टू एंड ओ माइनस टू का क्या रेशियो है, तो दोस्तों काउंट करके देखोगे तो जब इसमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, आयरन प्लस टू एंड ओ माइनस टू, दैट मीन ऑक्साइड का रेशियो कितना आता है, 8:8 है। लेकिन दोस्तों जैसे इसके अंदर
डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो वहां पर आयरन प्लस टू को कौन रिप्लेस कर देगा? हायर वैलेंसी वाला कैटाइन, और हायर वैलेंसी वाला कैटाइन कौन है? आयरन प्लस थ्री है। तो इनका क्या क्या रेशियो होगा? रेशियो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसको बिल्कुल सिंपल मैनर में अंडरस्टैंड कीजिए, यहां पर क्या सीन क्रिएट हो रहा है एक्चुअल के अंदर, ये जो आयरन प्लस टू है इसको मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। ये आयरन प्लस टू है अपनी लैटिस साइड को क्या कर देगा, स्किप कर देगा और यहां से क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। अब अंडरस्टैंड करना इसके क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर को, ये लीजिए यहां पर मैंने इस आयरन प्लस टू को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया, यहां से मिस कर दिया, और इसकी जगह और सेकेंड वाला आयरन भी मैंने यहां से क्या कर दिया दोस्तों, मिस कर दिया है। तो यहां पर देखिए जो लोअर वैलेंसीज है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो लोअर वैलेंसीज है उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, हायर वैलेंसी वाला कैटाइन, और हायर वैलेंसी आयरन की कौन सी होगी दोस्तों, प्लस थ्री होगी। तो यहां पर जहां पर प्लस टू हुआ करता था वहां पर आयरन कौन सा आ गया, हायर वैलेंसी वाला कैटाइन, उसने इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। दैट मीन्स क्या बन गया आपके पास, एफ ई प्लस थ्री का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। अब दोस्तों यहां पर एफ ई प्लस थ्री आयरन का फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन होने के साथ ही यहां पर जो आयरन प्लस टू था, कौन से की बात कर रहा हूं मैं, आयरन जो प्लस टू जो मेटल थी उसका नंबर क्या हो गया दोस्तों, डिक्रीज हो गया, उसका नंबर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो यहां पर देखिए आयरन प्लस थ्री आ गया, और यहां पर तो आपके पास पहले से कौन प्रेजेंट था, आयरन प्लस टू, तो यहां पर मैंने एक और आयरन प्लस थ्री को मेंशन कर दिया। मीनिंग यहां पर मैंने क्या किया दोस्तों, सिंपल वर्ड के अंदर अंडरस्टैंड करना, टू आयरन प्लस को मैंने आयरन प्लस थ्री से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो जहां पर भी ये टू आयरन प्लस टू की बात कर रहा हूं मैं, इनको मैंने रिप्लेस किया, तो बताइए वन आयरन पर कितना प्लस टू चार्ज था जिसको मैंने रिप्लेस किया है, प्लस टू चार्ज था, तो दोस्तों टू पर कितना हो जाएगा, फोर चार्ज हो जाएगा, क्लियर है। और इनको रिप्लेस किससे किया है मैंने, इनको रिप्लेस किया है दोस्तों विद द हेल्प ऑफ टू आयरन प्लस थ्री से क्या किया मैंने, रिप्लेस किया है। टू आयरन प्लस टू की जगह मैंने क्रिस्टल लैटिस के अंदर कौन से कैटाइन लाकर मेंशन कर दिया, हायर वैलेंसी वाले कैटाइन, आयरन प्लस थ्री को मेंशन कर दिया है। तो यहां पर दोस्तों एक्चुअल में क्या होगा, टू आयरन प्लस टू की जगह तो कौन से आ गए, टू आयरन प्लस थ्री आ गए, लेकिन आपने ये बोला है कि यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो बताइए जब भी टू आयरन प्लस थ्री आएंगे तो कितने आयरन प्लस टू मूव होना पड़ेगा, क्योंकि टू आयरन प्लस थ्री पर कितना चार्ज है, टोटल प्लस सिक्स चार्ज है। तो जब आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे क्रिस्टल लैटिस में तो कितना पॉजिटिव वाला चार्ज क्या होगा, रिमूव होगा, प्लस सिक्स। तो यहां से कितने Fe प्लस टू आयरन है वो यहां से मूव कर जाएंगे, थ्री। तो यहां पर दोस्तों यहां से जो आयरन प्लस टू है ये क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा, और जैसे ये यहां से रिमूव करेगा यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कैटाइनिक वैकेंसी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर अब आप इस वाले क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर से अगर डील करते हो तो यहां पर आयरन प्लस टू का नंबर, दोस्तों किसकी बात कर रहा हूं मैं, आयरन प्लस टू है इसका क्या रेशियो रह जाएगा, काउंट करके देख लीजिए, आयरन प्लस टू है उसका नंबर कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। सेकंड बात करेंगे अपन यहां पर किसकी, आयरन प्लस थ्री, तो आयरन प्लस थ्री कितना हो गया, टू आ गया, और ऑक्साइड आज भी कितने प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट है। तो यहां पर दोस्तों अगर आप काउंट करोगे, पहले जब डिफेक्ट नहीं था कैटाइन कितने थे, एट, और एनायन कितने थे, एट, मीनिंग रेशियो क्या था, सेम था, लेकिन जब इसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया तब वहां पर देखोगे तो टोटल कैटाइन का नंबर कितना है, फाइव प्लस टू कितना हो गया, सेवन, और एनायन कितना, एट, मतलब यहां पर डेफिशिएंसी किसकी होगी, कैटाइन की। तो इसीलिए आपने इसको कौन सा डिफेक्ट बोला है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोला है। सिंपल वर्ड में ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि टू आयरन प्लस थ्री है ये कितने आयरन प्लस टू को क्या करेंगे, मूव करेंगे, थ्री को रिप्लेस करेंगे। तो थ्री में से टू की जगह तो कौन आ गए, एपी प्लस थ्री ने उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, और एंड जो भी आपके वन एपी प्लस टू था वहां पर क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी, कैटाइनिक वैकेंसी। तो यहां पर जब भी इसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तो वहां पर जो कैटाइन का नंबर है, मेटल का नंबर क्या हो गया, एनायन के कंपेरिजन में लोअर हो गया, तो कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाएगा। एंड कैटाइन और एनायन का जो रेशियो है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये भी एक एक्चुअल में दोस्तों किसका एग्जांपल होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जांपल है। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किसकी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट किसका एग्जांपल होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जांपल होता है।